चलिए राउंड द वर्ल्ड में सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब को मिली अलकायदा की धमकी की। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब में 40 से ज्यादा लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। इन लोगों में शिया धर्मगुरु अल निम्र भी शामिल थे और इस घटना का अब अलकायदा बदला लेने वाला है, जिसकी दरअसल उसने धमकी भी दी है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए लड़ाकों से सऊदी और पश्चिमी देशों पर हमले अंजाम देने के लिए कहा है। खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, अलकायदा करेगा आतंकी हमला। सऊदी अरब को सबसे बड़ी धमकी। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु अल निम्र को दी गई मौत की सजा पर दुनिया भर में बवाल मच गया था। 2 जनवरी को सऊदी अरब में अल निम्र समेत 47 लोगों को मौत की सजा दे दी गई थी। इनमें से ज्यादातर को 2003 से 2004 के बीच सऊदी अरब में अलकायदा के हमलों में शामिल होने के मामले में दोषी ठहराया गया था। लेकिन अब अलकायदा अपने इन्हीं साथियों की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अलकायदा ऐलान कर चुका है कि वो सऊदी अरब से इसका बदला लेकर रहेगा। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने ऑनलाइन संदेश जारी करके सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी है। जवाहिरी ने अलकायदा के लड़ाकों से अपील की है कि वो अपने 40 से ज्यादा साथियों की मौत का बदला लेने के लिए सऊदी अरब और पश्चिमी देशों पर हमले करें। इसके साथ ही अलकायदा चीफ ने सऊदी अरब की जनता से भी अपील की है कि वो देश के राजतंत्र को उखाड़ फेंके, क्योंकि राजतंत्र कभी लोगों की हिफाजत नहीं करेगा। अपनी धमकी में शिया धर्मगुरु अल निम्र का जिक्र करते हुए अल जवाहिरी ने कहा कि निम्र की हत्या इलाके में वर्चस्व के लिए सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा है और ये सब अमेरिकी हितों के हिसाब से हो रहा है। अलकायदा साफ कह चुका है कि वो अपने 43 आतंकियों की मौत का सऊदी अरब और पश्चिमी देशों से बदला लेगा। वहीं इससे पहले इस्लामिक स्टेट ने भी इस मामले में सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी थी। ISIS ने सऊदी अरब की उन जेलों को तबाह करने की चेतावनी दी थी जिनमें आतंकियों को बंद रखा गया है। 43 आतंकियों समेत 4 लोगों को मौत की सजा देने पर सऊदी अरब के राजतंत्र और मानवाधिकार को लेकर सवाल खड़े हुए थे और दुनिया भर में इस कदम की निंदा हुई थी। ऐसे में अलकायदा की धमकी आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान सरकार ने तो अब तक ये बात नहीं मानी, लेकिन वहां के पंजाब प्रांत की कानूनी मंत्री ने माना है कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। वहीं अपने आका की गिरफ्तारी की खबर पर जैश ए मोहम्मद का कहना है कि अगर ऐसा है भी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मसूद अजहर गिरफ्तार है या नहीं, इस पर नवाज सरकार के अलावा हर कोई बोल रहा है। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मसूद को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखे जाने की पुष्टि की है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि मसूद के साथ उसके कुछ साथियों को भी कस्टडी में लिया गया है और पठानकोट हमले में अगर जाँच में मसूद का हाथ पाया गया तो उसे अरेस्ट भी किया जाएगा। इन सब के बीच जैश ए मोहम्मद ने अपने आका की गिरफ्तारी की खबरों को लेकर सफाई दी है। जैश ए मोहम्मद ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि पूरी दुनिया मसूद अजहर के अरेस्ट होने की खुशियां मना रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता भी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें और भी जिहाद करने की ताकत देगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान सरकार दावा कर रही है कि जैश जैसे आतंकियों के खिलाफ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उनके ऑफिस उनके ठिकानों को सील किया जा रहा है, ये कैसी कार्रवाई हो रही है जिसमें खुलेआम रोजाना जैश ए मोहम्मद की ओर से चुनौती देने वाली और धमकी भरी बातें कही जा रही हैं। साफ है पाकिस्तान के इसी रवैये की वजह से विदेश सचिव स्तर की बातचीत को टाल दिया गया, नहीं तो 15 जनवरी को तय वक्त पर ही इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होती। भारत की तरफ से पाकिस्तान को साफ संकेत है
कि वह अपने किए वादे को निभाए, जिसके लिए उसे मौका दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान मौलाना मसूद अजहर पर केस चलाएगा? इतिहास देखा जाए तो इसके जवाब में कोई उम्मीद नहीं जगती, क्योंकि मुंबई हमलों के बाद इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा के कमांडर जकीर रहमान लखवी को पकड़ा तो था, लेकिन उस पर कोई मजबूत केस नहीं चला। इसी तरह मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद को भी पाकिस्तानी एजेंसियां बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख पाई। इतना ही नहीं, 26/11 के केस में पाकिस्तान में बनी स्पेशल कोर्ट में भी जज बार बार बदलते रहे और सुनवाई कई बार टलती है। कभी रूमर उड़ाते हैं कि वहाँ से आती है कि हाफिज सईद मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया गया, उनके भाई को भी और उनकी फैमिली के और तीन लोगों को जिन जिन के नाम भारत ने दिए थे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये भारत दोनों देशों के रिश्ते में ये ठीक नहीं है। अगर उनको कुछ करना है, चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध हो, तो उनको तुरंत जो लोग पठानकोट के में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करना होगा। भारत ने उनको एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन दी है, अब उसके पर उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें, लोगों को अरेस्ट करें। चार नाम भी दिए हैं जिसमें अजहर मसूद का भी नाम है और उनके परिवार के दूसरे लोग हैं, उनके इंट्रोगेशन होते हैं। कुछ आगे बढ़ती तो बात भी बढ़ेगी। जाहिर आतंकवाद के खिलाफ अब नवाज शरीफ की असली अग्नि परीक्षा है। घरेलू मोर्चे पर शायद शरीफ के सामने मसूद की गिरफ्तारी के अपने जोखिम हो, लेकिन कोई देश आखिर कब तक दुनिया के सामने भरोसा तोड़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के बर्थडे गिफ्ट पर उठा बवाल अभी थमा नहीं है। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट करके न सिर्फ अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को नाराज किया है, बल्कि उसकी इस हरकत से जापान और चीन जैसे पड़ोसी देश भी गुस्से में हैं। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने ये कदम डरकर उठाया है, क्योंकि किम जोंग ने उनसे भी कहा था कि वो सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी नहीं बनना चाहते। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को लेकर लामबंदी तेज हो रही है। 6 जनवरी को नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने अपने जन्मदिन के दिन जो तोहफा खुद को दिया था, वो दुनिया के कुछ देशों की बेचैनी की वजह बन गया है। चीन, जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया 6 जनवरी के किम जोंग के तोहफे को लेकर इतने रेस्टलेस हैं कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी बयानों और अंदेशों का दौर जारी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर जापान के पूर्व रक्षा मंत्री और डिफेंस एक्सपर्ट सतोशी मोरी मोतो ने कमेंट किया है। सतोशी मोरो मोतो ने किम जोंग उन की इस हरकत के पीछे की वजह उसका डर बताया है। मोरी मोतो के मुताबिक किम को खौफ है कि वो इराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी या ओसामा बिन लादेन की तरह मारा न जाए। ऐसे में वो जितनी जल्दी अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ाएंगे, उन्हें लगता है कि वो सत्ता में रह पाएंगे। मोरिमोतो साल 2012 में जापान के रक्षा मंत्री थे और इस वक्त वो टोक्यो की ताकुशोको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनकी ये प्रतिक्रिया पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में पिछले दिनों किए गए हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग को लेकर आई है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 6 जनवरी को एक हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था, जिसे लेकर नॉर्थ कोरिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये फुल फ्लेज्ड थर्मोन्यूक्लियर पर काफी लो इंटेंसिटी है। लेकिन आसपास के देशों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया सच नहीं बोल रहा है। मोरिमोतो ने कहा कि जो डेटा नॉर्थ कोरिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसके मुताबिक हाइड्रोजन बम का ये टेस्ट लॉन्च मिसाइल से दागा गया एक छोटा बम है। दरअसल इससे पहले भी ऐसे हालात 1953 में बन चुके हैं, जब सोवियत यूनियन ने कहा था कि उसने एक हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है। उस वक्त भी अमेरिका ने इस बम को स्मॉलर स्केल थर्मोन्यूक्लियर वेपन मान लिया था। जल्द ही पूरी दुनिया को ये पता चला कि मॉस्को ने वाकई हाइड्रोजन बम का ही परीक्षण किया था। जापानी पूर्व रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया हालांकि हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये सच है कि उसने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने 1985 में NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि को मंजूर किया था। इसके तहत वो एक्टिव तौर पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समझौते को नहीं माना।
2003 में नॉर्थ कोरिया ने खुद को इस एग्रीमेंट से अलग करने का ऐलान कर दिया और अब तक वो 3 न्यूक्लियर टेस्ट और एक हाइड्रोजन बम टेस्ट कर चुका है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विवाद यूं तो रीजनल है, लेकिन इस विवाद से कुछ ऐसे देश भी जुड़ चुके हैं कि ये मुद्दा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का जरिया बन चुका है। ऐसे देशों में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। जापान भले ही न्यूक्लियर वेपन्स की त्रासदी झेलने के बाद इस तरह के वेपन्स को लेकर बेहद गंभीर हो, लेकिन अमेरिका इस मुद्दे को लेकर अब भी दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों के बजाय झगड़े को और बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। यूं तो जितने भी तानाशाह हुए हैं सभी अपनी क्रूरता के लिए जाने गए, लेकिन उत्तर कोरिया का ये जो तानाशाह है वो सजा जैसी सुनाता है, उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अपनी सनक और पागलपन वाले फैसलों के लिए बदनाम उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह की कारगुजारियां सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किम जोंग के पिता और दादा भी तानाशाह रह चुके हैं, लेकिन किम जोंग ने ऐसी बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारकर खौफ बनाया है कि पूरे उत्तर कोरिया किम जोंग की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। किम जोंग का फितूर ऐसा है कि वो किसी भी छोटी बात पर लोगों के लिए मौत का फरमान जारी कर देता है। रक्षा मंत्री को तोप से उड़ाया। अपने बेहद करीबी माने जाने वाले देश के रक्षा मंत्री यांग योन चोल को किम जोंग ने सरेआम तोप से उड़ा दिया था। कहा जाता है कि रक्षा मंत्री वान किम जोंग के कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। रक्षा मंत्री पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन का चार्ज लगाया गया और उसे देशद्रोही करार देकर तोप से उड़ाने का फरमान जारी कर दिया गया। यानी तानाशाह की मौजूदगी में नींद की एक झपकी को आदेश की नाफरमानी माना गया और मौत देने के लिए इस भयानक तरीके को चुना गया। ये भी बताया जाता है कि रक्षा मंत्री को सफाई देने तक का मौका नहीं दिया गया था। 2014 में तानाशाह किम जोंग ने करीब 50 बड़े अधिकारियों को सिर्फ इसलिए गोली से उड़ा दिया कि वो अपने दुश्मन और पड़ोसी देश साउथ कोरिया का एक टीवी सीरियल देख रहे थे। किम जोंग उनने अपने ही एक अधिकारी को इसलिए बम से उड़ा दिया था क्योंकि वो किम के पिता की मौत के बाद शराब पी रहा था। किम जोंग ने अपने ही अंकल को देशद्रोह और विश्वासघात के आरोप में मौत की सजा दी थी। किम जोंग ने अपनी बुआ को जहर दिलवाकर मार दिया था और अपने अंकल को 120 शिकारी कुत्तों के पिंजरे में फिंकवा दिया था जो 3 दिन से भूखे थे। क्रूरता में किम ने तमाम तानाशाहों को पीछे छोड़ दिया है। किम जोंग ने अपने ही एक एडवाइजर को इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने उसी लिफ्ट और एस्ट्रे का इस्तेमाल कर लिया था जिसका इस्तेमाल किम जोंग किया करता था। किम जोंग के तख्तापलट की खबर उड़ाने वालों को उसने चुन चुन कर मरवाया था। पिछले करीब 3 साल में किम जोंग उन ने 70 लोगों की हत्या करवाई है। बताया जाता है कि लड़कियों से घिरे रहना किम जोंग उनका शगल है। उसने महज 14 साल की उम्र से शराब सिगरेट पीनी शुरू कर दी। दुनिया के तमाम तानाशाहों की तरह किम जोंग कान का कच्चा है, सनकी है, गुस्सैल है। उसकी सजा के तरीके देखकर साफ है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और लोगों को दर्द देने में न सिर्फ उसे मजा आता है बल्कि अपने करीबी लोगों को मारकर वो एक साथ सबको ये संदेश देता है कि उसके खिलाफ सोचने की भी गलती कोई ना करे। रक्षा विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कैसे सनकी शख्स के हाथ में एटम बम होना दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। उसकी सनक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर कोरिया एक छोटा सा देश है जबकि इस देश के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि वो तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी शुरुआत किसी सनकी इंसान से होगी।
अपने जन्मदिन पर खुद को हाइड्रोजन बम का गिफ्ट देने वाले इस सन की तानाशाह से निपटने को लेकर ओबामा जैसा ताकतवर राष्ट्रपति और उनका ताकतवर मुल्क भी बेबस दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उत्तर कोरिया के इस तानाशाह ने अपने देश में डर के दम पर अपनी ऐसी छवि बनाई है जिसके डर से लोग कांपते हैं। सरकारी मशीनरी के जरिए कैसे तानाशाह किम जोंग का प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। किम जोंग ने 2011 में अपने पिता की मौत के बाद देश का राज संभाला था और तभी उसने तय कर लिया था कि वो अपना ऐसा खौफ बनाएगा कि देश और दुनिया में कोई उसकी सरकार और उसकी सत्ता के खिलाफ नजर उठाकर देखना तो दूर जहन में उसके खिलाफ कोई ख्याल तक ना लाए। किम जोंग ने एक रणनीति के तहत अपना आभा मंडल बनाने के लिए उत्तर कोरिया के सभी स्कूलों में ऐसी बातें पढ़ाने के लिए कहा जिससे वो सबसे ताकतवर, सबसे दिलेर, चमत्कार करने की शक्ति रखने वाला शख्स कहलाए। अब देखिए कि कैसे किम जोंग के बारे में दंत कथाएं प्रचारित की गई। ये दावा किया जाता है कि हैमबर्गर का आविष्कार किम जोंग ने ही किया था। किम जोंग कहता है कि मौसम भी उसके मूड के हिसाब से काम करता है। स्कूल की किताबों में दावा किया जाता है कि किम 3 साल की उम्र में ही कार चलाना सीख गया था। ये भी कहा गया है कि किम जोंग ने 9 साल की उम्र में ही यॉट रेस जीत ली थी। किताबों में बताया गया है कि किम कला प्रेमी है, वो म्यूजिक भी कंपोज कर लेते हैं। उत्तर कोरिया का 33 साल का ये तानाशाह जानता है कि जिस देश को उसके दादा ने बनाया उसके प्रति बच्चों और युवाओं की वफादारी बनाए रखने की जरूरत है। बच्चों को देश के प्रति वफादार रखने के लिए वो बच्चों के वाटर पार्क और बच्चों से जुड़ी फिल्मों में खूब पैसा लगा रहे हैं। उत्तर कोरिया के सर्वे सर्वा के लिए कैसे देश की पूरी मशीनरी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है उसका एक और उदाहरण देखिए। ये DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया का ट्विटर हैंडल है जिस पर किम जोंग को मसीहा या भगवान की तरह प्रचारित किया जाता है। इस तानाशाह ने अब हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के जरिए फिर ललकारा है और न्यूक्लियर बम के साथ वो बेहद खतरनाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और चलिए अब शो में आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्टंट जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, जो आपको हैरान कर देगा और जिसे देखकर आप सोचेंगे कि ऐसा भी होता है। ये रिपोर्ट देखिए। जरा इस शख्स को देखिए, ये एक पोल के पास खड़ा है और अचानक से देखिए इसने पोल पर चढ़ना शुरू कर दिया। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं ये कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहा? ये माजरा आखिर है क्या? ऐसे ही कई सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो जनाब टेंशन नॉट, हम बताते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। दरअसल इस शख्स को चढ़ी है स्टंट करने की सनक। जी हाँ, 80 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी मेजर के ये जनाब सिर्फ और सिर्फ स्टंट दिखाने के लिए चढ़ रहे हैं। अब तो ये पोल भी हिलने लगा है। देखिए कैसे ये पोल के ऊपर पहुँच कर ये जोर जोर से पोल को शेक कर रहा है। इसे देखकर तो डर लग रहा है, ये तो वाकई स्टंट के लिए क्रेजी है। देखिए कैसे पोल पर दोनों हाथ फैलाकर अपनी सक्सेस डिक्लेयर कर रहा है। जितनी तेजी से ये ऊपर चढ़ रहा है अब ये उतनी ही तेजी से नीचे भी उतर रहा है। कुछ अलग करने की चाह बहुत से लोगों में होती है और उसके लिए लोग आजकल कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेफ्टी और जान के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है। खैर इनका स्टंट तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन आप ऐसा कुछ करने का ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।